वेलकम टू सूरीज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। माय नेम इज मोहित सूरी, द डायरेक्टर ऑफ सूरीज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑफ प्लस वन क्लास, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम कई टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ऊपर एक आइक से लिंक दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप इस पर जाकर, इस प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो है मीनिंग को क्लियर करते हैं। तो सर, जो कंपनी है वो इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब इसमें जो है कई पर्सन होते हैं, फॉर्म्ड ऑफ कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए जो है आगे आते हैं, एंड हैज अ लीगल स्टेटस। ये जो है इनका एक लीगल स्टेटस होता है फ्रेंड्स। तो और ये जो इसे जो गवर्न करता है वो करता है कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनी जो है वो, कंपनी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन्स हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी इसकी लीगल एंटिटी है परपेचुअल सक्सेशन, यानी ये चलती रहेगी, और इसकी एक कॉमन सील है। ठीक है फ्रेंड्स, द शेयर होल्डर जो है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इसके ऑनर्स होते हैं, वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन इलेक्ट करता है, शेयर होल्डर्स। यूजली द ऑनर्स एक्सरसाइज एंड इंडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स। ये जो स्मॉलर पार्ट होते हैं, इक्वल पार्ट होते हैं, इनको हम शेयर बोलते हैं फ्रेंड्स, और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं वन शेयर होल्डर टू अदर पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, पर प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, लाइक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी इच्छा से इंडिविजुअल जो है प्रॉफिट कमाने के लिए जो है अपनी कैपिटल को ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, और ऑनरशिप ऑफ विच इज कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। तो फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन है वह प्रोफेसर हैने की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज फीचर्स। फीचर्स में क्या है आर्टिफिशियल पर्सन। तो सर, जैसा कि मैंने इसके मीनिंग में बताया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये नेचुरल पर्सन की तरह नहीं जो है कार्य कर सकती है, जैसे कि ये प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, बोरो कर सकती है मनी फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर हो सकती है, स्यू हो सकती है और स्यू कर भी सकती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बट ये सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, भाग नहीं सकती सर फ्रेंड्स। नॉर्मल जो मैन के पर्सन है वो नहीं कर सकती है फ्रेंड्स, जो भी मैन एक वर्क कर सकता है ये वो काम नहीं कर पाएगी फ्रेंड्स। एक सेपरेट लीगल एंटिटी, तो फ्रेंड्स इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसकी जो एंटिटी होती है वो इसके मेंबर्स से अलग मानी जाती है, क्योंकि कंपनी को हम एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज फ्रेंड्स फॉर्मेशन। तो जो कंपनी की फॉर्मेशन है वो वेरी एक्सपेंसिव है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है फ्रेंड्स, जिसके लिए हमें कई डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना पड़ता है, कई लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है, और अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज लायबिलिटी। तो इसमें लायबिलिटी जो होती है वो जो होती है लिमिटेड होती है, जितनी उनकी कैपिटल होती है, जितने शेयर्स हर मेंबर के पास होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग कैपिटल की जो लायबिलिटी होती है इसकी मेन फीचर है फ्रेंड्स। और कॉमन सील, तो फ्रेंड्स हर कंपनी की जो है कॉमन सील होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एग्रीमेंट के अंदर एंटर होने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, कंपनी का अप्रूवल लेना चाहते होते हैं। तो अप्रूवल क्या, कंपनी की सील यानी कंपनी के एक स्टैंप। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग। तो रिस्क ऑफ लॉसेज इन कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। तो रिस्क जो होता है इसमें फ्रेंड डिवाइडेड हो जाता है फ्रेंड, इससे किसी एक पर रिस्क नहीं पड़ता है। जैसे कि पार्टनरशिप में जो है ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी फ्रेंड्स, तो उसको इन्होंने ओवरकम करते हुए एक सोल प्रोप्राइटरशिप में भी जो है सारी लायबिलिटी एक उसी बिजनेसमैन की होती, तो फिर उसको जो है ओवरकम करते हुए ये जो इसकी बेस्ट फीचर है रिस्क बियरिंग। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। जैसा कि मैंने इसकी मीनिंग बताया कि ये चाहे इसके मेंबर्स की डेथ हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, पर जो है कंपनी जो है वो चलती रहती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज कंट्रोल। तो जो मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है वो कंपनी का, वो कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो इन्हें कौन अपॉइंट करता है, टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल फॉर रनिंग द बिजनेस। द डायरेक्टर्स होल्ड अ पोजीशन ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस एज दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स फॉर द वर्किंग ऑफ कंपनी। तो फ्रेंड्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जो उनके बिहाफ पे जो है बिजनेस को कंट्रोल करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो शेयर होल्डर होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इतने सारे होते हैं कि वो जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं रह सकते होते। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक। प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।
बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल के सभी अपडेट्स पाइए। तो फिर मैरिज में सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि हमने इसके फीचर में पढ़ा, इसमें सभी पार्टनर्स की जो है, शेयर होल्डर्स की जो है कैपिटल, वो लायबिलिटी होती है, मतलब कि लिमिटेड होती है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एड्स टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी एज अ शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एंड एज सच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इन टू कैश इन केस ऑफ नीड अराइजेस। तो फ्रेंड्स इजीली आप अपने ट्रांसफर जो अपने इंटरेस्ट को वो ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइक अगर आप किसी कंपनी को मतलब कि छोड़ना चाहते हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर जो आपके पास है वो आप किसी और को सोल्ड आउट करके फ्रेंड्स अपने ट्रांसफर को जो आपका इंटरेस्ट है उस कंपनी में उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। किसी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन हो, कंपनी जो है चलती रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है स्कोप फॉर एक्सपेंशन एज कम्पेयर टू द सोल प्रोप्रेटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी हैज अ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रेंड्स, फर्दर कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक एज वेल एज थ्रू लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दस देयर इज ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपेंशन, द इन्वेस्टर्स आर इंक्लाइंड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स बिकॉज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज टू स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स, इट कैन देयरफॉर एम्प्लॉय पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशंस। द स्केल ऑफ ऑपरेशंस इन अ कंपनी लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क, ईच डिपार्टमेंट डील्स विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड इज हेडेड बाय एन एक्सपर्ट, दिस लीड्स टू बैलेंस डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने देखा था कि सोल प्रोप्रेटरशिप और पार्टनरशिप में जो है वो इतना बजट नहीं होता कि वो एक्सपर्ट्स को भी जो है वो रिक्रूट कर सके फ्रेंड्स। तो कंपनी के पास इतना जो इतनी स्ट्रेंथ्स होती है कि वो जो है एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बिल्ड कर सके। तो नेक्स्ट इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन, जैसे कि हमने इसके फीचर में भी पढ़ाया फ्रेंड्स कि एज कम्पेयर टू सोल प्रोडक्शन और पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी हैज अ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। फर्दर कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक एज वेल एज थ्रू एज लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फ्रेंड्स इससे क्या हुआ, इनका एक्सपेंशन का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट की एक दोबारा कॉपी हो गया है फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो फ्रेंड्स डीमेरिट्स में फ्रेंड्स फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके फॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्सिटी है डीमेरिट्स में, क्योंकि इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, परमिशंस लेनी पड़ती है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब कि कंपैरेटिवली सोल प्रोप्रेटरशिप और पार्टनरशिप से जो है इसकी जो फॉर्मेशन है वो कॉम्प्लेक्स है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। तो फ्रेंड्स इतने सारे जो है शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, तो फ्रेंड्स बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपनी सीक्रेसी को मेंटेन कर सके कंपनी। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू सिचुएशंस इन विच देयर इज लैक ऑफ एफर्ट एज वेल एज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कि वो पर्सनली जो है वो बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाते फ्रेंड्स, उनके बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही जो है वो मैनेज करते हैं फ्रेंड्स। तो मेनली क्या है कि जो एक कंपनी है वो डिफिकल्ट हो जाता है ऑनर्स के लिए और टॉप मैनेजमेंट के लिए कि वो पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सके एम्प्लॉइज के साथ, कस्टमर के साथ, क्रेडिटर्स के साथ। तो एक तरह का इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट इज न्यूमरस रेगुलेशंस। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत सारी रेगुलेशंस होती है, जैसे कि इसको रजिस्टर्ड कराना है, इतना टफ टास्क है। तो आप देखिए कि जब एक कंपनी बन जाएगी तो इसके ऊपर कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक सेबी। तो फ्रेंड्स सेबी है एंड गवर्नमेंट है जो इनको कंट्रोल कर रही है फ्रेंड्स। तो काफ़ी सारी रेगुलेशंस हैं। नेक्स्ट इज फिर डिले इन डिसीजन मेकिंग। कंपनीज आर डेमोक्रेटिकली मैनेज थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज फॉलोड बाय टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स कम्युनिकेशन एज वेल एज अप्रूवल ऑफ वेरियस प्रपोजल्स मे कॉज डिलेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इतने मैनेजमेंट्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उनकी डिसीजन मेकिंग होती है, मीटिंग्स बुलाई जाती है। तो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो है वो आप एक अकेला इंसान डिसीजन नहीं लेता है, एक मीटिंग्स के थ्रू डिसीजंस को जो है वो डिस्कस किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें डिले आ ही जाती है। फिर नेक्स्ट इज फ्रेंड्स ऑलिगार्किक मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स इन थ्योरी अ कंपनी इज एन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वेयर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर द ओनर्स। अब शेयर होल्डर ओनर्स होते हैं, पर रिप्रेजेंटेटिव कौन, उनका रिप्रेजेंटेटिव, शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो इन प्रैक्टिस हाउएवर इन मोस्ट लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग अ मल्टीट्यूड ऑफ शेयर होल्डर्स द ओनर्स हैव मिनिमल इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो कंट्रोल है, ठीक है फ्रेंड्स, वो किसी एक का नहीं है, कंट्रोल काफियों का है।
पर जो मैनेजमेंट है वो कुछ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ऑल ओवर जो है मतलब कि फैले होते हैं जगह जगह पर, तो कोई ऑप्शन नहीं होता है उनका। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में क्या होता है कि उनको अगर लगता है कि कंपनी ठीक नहीं चल रही तो उनको अपने शेयर्स जो है वो बेचने पड़ते हैं और कंपनी छोड़नी पड़ती है। तो एज द डायरेक्टर वर्चुअली एंजॉय द राइट्स टू टेक ऑल मेजर डिसीजन। तो मेन जो हम कह सकते हैं कि ऑल गैरिकिंग मैनेजमेंट क्यों है, क्योंकि सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इसमें मैनेज करते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ कुछ ही लोग इस पर रूल करते हैं। तो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का। फ्रेंड्स देख लेते हैं पहले बेसिस क्या है। जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम आपको अनलिमिटेड हो सकते हैं मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 50 चाहिए। फ्रेंड्स मिनिमम डायरेक्टर्स जो है वो पब्लिक कंपनी में 3 और प्राइवेट कंपनी में 2, ठीक है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड इन 1 लाख इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। फ्रेंड्स इंडेक्स ऑफ नंबर्स के केसेस में जो है पब्लिक कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन कराना है फ्रेंड्स वो कंपलसरी है और प्राइवेट कंपनी की नॉट कंपलसरी, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कि मेंबर जो है वो इतने कंपलसरी होने ही चाहिए फ्रेंड्स। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है फ्रेंड्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है पर प्राइवेट कंपनी के केस में। इनविटेशन ऑफ पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर, ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि जो है वो इन्वाइट कर सकती है, पब्लिक कंपनी इन्वाइट कर सकती है पर प्राइवेट कंपनी इन्वाइट नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इसमें हमने फीचर्स, मेरिट्स, मीनिंग, डेफिनेशंस, डीमेरिट्स फ्रेंड्स एंड डिफरेंस जो है वो डिस्कस किया है फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अल्टीमेट ऑडियंस तक फ्रेंड्स। और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फ्रेंड्स अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।